वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप UPTT सुपर TT CTT रीट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपका शिक्षक बनने का सपना अब पूरा होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन की पूरी आपकी सीरीज है। बढ़ेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान मध्य एशिया में स्थित है? ऑप्शन ए आपके पास पंपास, ऑप्शन बी प्रेरी, ऑप्शन सी वेल्ड, ऑप्शन डी स्टेपी। तो एक एक ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं। मध्य एशिया की बात करें दोस्तों तो आपका ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे दोस्तों पंपास पूछता है तो पंपास कहाँ के मैदान है घास के? अर्जेंटीना लिखिएगा, अर्जेंटीना टिक कीजिएगा। प्रेरी आपका बात करेगा तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और आपका वेल्ड अगर बात करेगा तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, क्या? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो आपका अगर आपसे इसमें मध्य एशिया की बात करेगा तो आपका स्टेपी ऑप्शन मध्य एशिया के लिए जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कंपोज कहाँ के घास के मैदान में, कंपोज आपसे अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ब्राजील आपका सही हो जाएगा। और अगर आपसे लानोस पूछता है तो आपका लानोस वेनेजुएला हो जाएगा, कहाँ का? वेनेजुएला का हो जाएगा। और अगर आपसे सवाना पूछता है, सवाना पूछेगा तो आपका पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा, क्या? पूर्वी अफ्रीका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे घास के मैदान हमने क्लियर किए जिसमें आपका सवाना हो, सवाना, और आपका वेनेजुएला वाला लानोस हो, लानोस, और आपका ब्राजील का कंपोज। ये आपके कहाँ किसके हैं दोस्तों? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय हैं, और बाकी के आपके ये सारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो सदन होते हैं, कितने? दो सदन होते हैं आपके, कौन कौन सा? एक आपका लोकसभा होता है, लोकसभा, और एक राज्यसभा होता है। संसद के दो सदन होते हैं, ये भी याद कर लीजिए। तो लोकसभा में दोस्तों जो आपका लोकसभा शुरू होती है वो 11 बजे से 6 बजे तक रहती है, इसकी भी टाइमिंग होती है सुबह 11 से 6। तो आपका जब स्टार्टिंग का जो समय होता है 11 से 12 जो आपका होता है वो घंटा क्या कहलाता है दोस्तों? प्रथम घंटा आपका होता है और ये घंटा आपका प्रश्नकाल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका प्रश्नकाल हो जाएगा। और इसके बाद आप ये भी जान लीजिए फिर शून्यकाल होता है जो आपका 12 से 1 तक शून्यकाल होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके पहले से 10 दिन पहले से बताया जाता है सदन को कि मुझे ये प्रश्न पूछना है। जो भी जिम्मेदार मंत्री हों या आपके जो भी सांसद हों उन्हें प्रश्न पूछना होता है तो पहले 10 दिन बताया जाता है। जबकि आपका शून्यकाल में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी तुरंत ऑन स्पॉट क्वेश्चन आपके किए जाते हैं। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया, मैंने शून्यकाल को भी बता दिया, प्रश्नकाल को भी बता दिया। बढ़ेंगे दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी आपका 21 मार्च, और ऑप्शन डी आपका 20 मार्च। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी आपका ऑपरेशन फ्लड, जो अगर ऑपरेशन फ्लड की बात आएगी तो क्या आपका हो जाएगा दुग्ध दिवस, आपका दुग्ध से संबंधित है। क्लियर है? अब यहां से आपका दुग्ध यानी आपकी श्वेत क्रांति से संबंधित है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन पूछा जा सकता है। वर्गीज आपका कुरियन लिख देंगे, वर्गीज कुरियन क्या है? श्वेत क्रांति के जनक हैं, यानी दुग्ध क्रांति के जनक हैं। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर को हुआ था, और इसीलिए इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 21 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है आपका? 21 मार्च की बात करेंगे तो आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, क्या? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, गौरैया दिवस। क्लियर है? बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी ऑफियोलॉजी, ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी दोस्तों पक्षियों का अध्ययन होता है, किसका? पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी होता है। ऑफियोलॉजी क्या होता है? सर्पों का अध्ययन होता है, सर्प यानी सांप का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन हो जाएगा। हिस्टोलॉजी आपका
ऊतकों का अध्ययन हो जाएगा, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अच्छा, साइटोलॉजी किसका है? आपका कोशिका का अध्ययन है। कोशिका की खोज किसने की, यह आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। फटाफट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण अधिनियम कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 1972, ऑप्शन सी आपका बी है 1974, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी आपका 1981। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, वायु प्रदूषण अधिनियम के लिए? दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 1974 में शुरू किया गया था। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, समाचार पत्र में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? कैडमियम, लेड, पारा, कोबाल्ट। तो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कौन सा विषैला पदार्थ होता है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेड। यानी खाना जब आप रखते हैं पेपर में लपेट के, अखबार में लपेट करके खाना रखते हैं, तो उसकी इंक से लेड निकल के आपके खाने में लग जाती है जो विषैली होती है। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करिएगा, बाकी अखबार पढ़ना मत छोड़िएगा, क्लियर है? ठीक है, तो अखबार में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? आपका लेड होता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यमुना एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी आपका 1993, ऑप्शन डी 2001। तो आपका इसमें आपका ऑप्शन ए जो है 1985, ये गंगा एक्शन प्लान इसमें शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका जो सी है ये आपका यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान के लिए फेमस है। यानी यमुना एक्शन प्लान 1993 में शुरू हुआ और गंगा एक्शन प्लान 1985 में। 2001 में दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या थी, इसमें दोस्तों आपका दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, इन चार महानगरों को आपस में जोड़ने की परियोजना थी। ये आपकी 2001 में शुरू की गई थी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है? मॉरिशस, अमेरिका, इंडोनेशिया, वेनेजुएला। तो डोडो पक्षी का संबंध आएगा तो आप ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, मॉरिशस से है। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मॉरिशस में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है जिसका संबंध भारत से भी है, बहुत अच्छा संबंध भारत से है, तो ऐसी कौन सी भाषा है? तो दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोन लेप्रोसी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी मृदा अपरदन, ऑप्शन डी पत्थरों की रंगाई। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग में CO2 ज़्यादा होती है, CO2 सबसे जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लियर है? CO2 जिम्मेदार है। और स्टोन लेप्रोसी का संबंध दोस्तों अम्लीय वर्षा से है, किससे? हम एसिड रेन आपका जो है अम्लीय वर्षा से इसका संबंध है। अब अगर वर्षा का पीएच मान दोस्तों 5.6 से कम है तो ये अम्लीय वर्षा में आ जाता है। यानी जब वर्षा जल में आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाते हैं तो अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला शानदार क्वेश्चन, कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहते हैं? ऑप्शन ए महोगिनी, देवदार, नारियल या यूकेलिप्टस। तो आपका कल्प वृक्ष की बात आएगी तो दोस्तों नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष बोलते हैं, ये याद रखिएगा। यूकेलिप्टस को दोस्तों पर्यावरण का दुश्मन बोला जाता है क्योंकि ये वृक्ष जहाँ पे होता है उसके आसपास की जो जमीन होती है उसे दोस्तों बंजर बना देता है और ये पानी ज़्यादा सूखता है, इसलिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन वृक्ष बोलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कल्पवृक्ष नारियल के साथ जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? WWF आपका क्या है? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी IUCN या ऑप्शन डी UNESCO। तो WWF क्या है आपका? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये आपका WWF है। यानी इसकी स्थापना कब दोस्तों हुई थी? इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय, क्लियर है WWF का। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका है। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर, आपका 5 अक्टूबर 1948 को स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में है, बहुत अच्छे से देखेंगे। और यूनेस्को आपका क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर, आपका 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो फिलहाल रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आपका हो गया इसका फुल फॉर्म। तो IUCN रेड डाटा बुक, यानी आपका जो विलुप्ति के कगार पर प्रजातियां हैं उनको इसमें दर्ज किया जाता है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से आपका शानदार तरीके से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, अग्निवलय का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या उपर्युक्त सभी। तो इसका अग्निवलय का संबंध आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर में दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त की बात अगर होगी, मेरियाना गर्त आपका कहाँ स्थित है? आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से आपसे पूछा जा सकता है किस महासागर की आकृति वृत्ताकार है? तो आपका प्रशांत महासागर। त्रिभुजाकार आकृति तो आपका हिंद महासागर, और आपका एस आकृति तो आपका अटलांटिक महासागर। अगर प्यासा महासागर आ जाए तो अटलांटिक महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन डी, आपका साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये आपका केरल राज्य में है और केरल को मसालों की नगरी भी, मसालों का शहर भी बोला जाता है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान आपका तेलंगाना में है। कहाँ? तेलंगाना में है। आपका कान्हा किसली आपका एमपी में है और नागरहोल आपका कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है। कान्हा किसली को सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था और टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में इंडिया में लागू हुआ था। बड़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए गोंड, थारू, भील या मुंडा। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी इज द राइट ऑप्शन, थारू जनजाति सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका तो यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो अगर मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात होगी तो आपका यकृत सही हो जाएगा। आपकी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और थायराइड ग्रंथि आपका थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी कमी से आपका घेंघा रोग, यानी आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग हो जाता है। क्लियर है? तो थायराइड ग्रंथि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना प्यार और समर्थन बनाए रहिएगा। जय हिंद।